ओ भाई लिटरली ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर दो दो आयरन गोलम स्पॉन हो गया और मेरा फार्म भी कंप्लीट नहीं हुआ। वेट, यहाँ पर तो और भी दो गोलम स्पॉन हो गया। यार ये फार्म कितना ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है। हे गाइस, इट्स एड इज ईयर, मैं लेकर आ चुका हूँ एक माइनक्राफ्ट के आयरन फार्म का ट्यूटोरियल वीडियो। एंड गाइस यार, वेट वेट वेट, अगर आप लोग जावा एडिशन में हो, पीसी में खेलते हो, या फिर बेडरॉक एडिशन या फिर पॉकेट एडिशन, सभी में यह फार्म अच्छे तरीके से वर्क करने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में सिर्फ मेन मेन पार्ट को दिखाया मैंने, बकवास को नहीं। तो गाइस यार, आप लोगों को ये आयरन फार्म बनाने के लिए ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं चाहिए, 64 कोई भी ब्रिक चाहिए जो कि लावा से जले ना, 20 बेड्स, 20 फ्लेचिंग टेबल, 2 चेस्ट, 3 साइन बोर्ड, 2 वाटर बकेट, 1 लावा बकेट, 1 टॉर्च एंड 1 फेंस गेट चाहिए। एंड यहाँ पर 1 स्लैब एंड 1 हॉपर चाहिए। इतना लेने के बाद आप लोगों को विलेज से 150 ब्लॉक की दूरी पे आ जाना है, क्योंकि अगर आप लोग 150 ब्लॉक के अंदर बनाओगे विलेज के हो, तो आपका शायद ये फार्म अच्छे से वर्क नहीं करेगा। एंड 1 ब्लॉक यहाँ डिग करना है, एंड उसके आगे 4 ब्लॉक डिग करना है। एंड यहाँ पे आप जब फर्स्ट ब्लॉक डिग किए थे, उसके साइड से इधर भी 4 ब्लॉक को डिग करना है। एंड यहाँ पर ये 5x5 का एक एल तैयार हो जाएगा। एंड इसके बाद आप लोगों की एल के अंदर जितना भी ब्लॉक्स आ रहा है ना, सभी को डिग कर लें। तो फटाफट मैं इसे डिग कर लेता हूं। तो गाइस यार, फाइनली मैंने ना इतने जितने भी डर्ट ब्लॉक्स थे इधर साइड, सभी को माइन कर लिया। एंड उसके बाद आप लोगों को कॉर्नर में जाना है, एंड यहां पर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7x7 में सभी ब्लॉक्स को ब्रेक कर देना है। एंड जल्दी से फटाफट मैं सभी ब्लॉक्स को तोड़ देता हूँ। तो मैंने ना सभी ब्लॉक्स को तोड़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5x8 का एक टनल तैयार हो गया है, जो कि कितना ज़्यादा गड्ढा है। एंड इसके बाद आप लोगों को इस टनल के नीचे आना है, एंड यहाँ पर साइड्स के 2-2 ब्लॉक्स को ब्रेक कर देने हैं। कॉर्नर में भी आप लोगों को साइड्स के 2-2 ब्लॉक ब्रेक करने हैं। तो फटाफट से मैं चारों साइड्स के 2-2 ब्लॉक्स को ब्रेक कर लेता हूँ। एंड गाइस यार, ब्लॉक को तोड़ते वक्त आपको ध्यान देना है कि गलती से एक्स्ट्रा ब्लॉक ना टूट जाए, और अगर टूटता है तो यहाँ पर से दूसरे ब्लॉक कर रिप्लेस कर देना है। एंड इतना कर लेने के बाद आप लोगों को बेड लेना है, एंड किसी भी कॉर्नर में जाना है, एंड यहाँ पर से 2 ब्लॉक काउंट करना है। 1, 2 ब्लॉक मैंने काउंट करके एक बेड प्लेस किया, एंड ठीक इसके सामने अपोजिट साइड जाना है, एंड 1 ब्लॉक छोड़ करके वहाँ पर एक बेड प्लेस कर देना है। तो फटाफट से मैं बेड प्लेस कर देता हूँ। एंड ठीक यही सिस्टम को वापस से रिपीट करना है। 2 ब्लॉक का गैप छोड़ा, एंड यहाँ पे एक बेड प्लेस किया, एंड यहाँ पे 1 ब्लॉक का गैप छोड़ा, एंड यहाँ, तो जहाँ पे बेड खत्म होना वहीं से बेड को प्लेस करना है 2 ब्लॉक छोड़ के। एंड इतना कर लेने के बाद आप लोगों को 5 बेड इधर साइड प्लेस कर लेने हैं, एंड 5 ठीक इसके अपोजिट साइड। तो फटाफट से 5 बेड इधर भी प्लेस कर देता हूँ। एंड उसके बाद आप लोगों को 1 बेड यहाँ प्लेस करना है, एंड उसके बाद 1 साइड इधर प्लेस करना है। एंड ये भी आपके 20 बेड्स लग चुके हैं, एंड बीच में आप लोगों का 1 ब्लॉक बच जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, उस बीच में 1 स्टोन ब्रिक डालना है, एंड स्टोन ब्रिक के ऊपर 1 और स्टोन ब्रिक रखना है, वहाँ पर 2 स्टोन ब्रिक प्लेस करने हैं। एंड फटाफट से आपने जितने बेड लगाए हैं, सभी बेड्स वाले एरिया को कवर कर देना है। तो फटाफट से मैं कवर कर देता हूँ। तो फाइनली मैंने ना इस बेड वाले एरिया को कवर कर दिया है। एंड अब आप लोगों को लगाना है फ्लेचिंग टेबल। तो गाइस यार, फ्लेचिंग टेबल आप लोगों को लगाने के लिए यहाँ पे 6 ब्लॉक को डिग करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, एंड यहाँ पर से जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे फ्लेचिंग टेबल प्लेस कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, आप लोगों को कुछ इस तरीके से फ्लेचिंग टेबल को प्लेस करना है। एंड यहाँ पे 1 और फ्लेचिंग टेबल, एंड इधर साइड आप लोगों को 4 ब्लॉक डिग करके फ्लेचिंग टेबल प्लेस करना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे 4 फ्लेचिंग टेबल प्लेस करता हूँ। एंड जैसा आपने इधर किया, इसके अपोजिट में ऐसा 4 फ्लेचिंग टेबल प्लेस करना है। एंड इधर 6 किया, तो उसके अपोजिट मतलब कि उसके सामने वाले में 6 प्लेस करना है। तो फटाफट से मैं सारे 20 फ्लेचिंग टेबल को प्लेस कर दिया हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो कैसे आप लोग को प्लेस करना है, जैसे इधर साइड किया वैसे उसके अपोजिट, और वैसे तो उसके अपोजिट। एंड उसके बाद हो जाने के बाद आप लोगों को विलेज स्पॉन करना है। एंड यार, विलेज को स्पॉन करने वक्त ध्यान देखना है, अगर आप लोग सर्वाइवल में हो तो आप लोगों को क्या करना है, 2 विलेजर ले आना है, एंड उसे कुछ खाना देना है, कैरेट या फिर पोटैटो या फिर वीट, एंड अपने में वो ब्रीड कर लेंगे। एंड यार, आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रीन कोट वाला विलेजर नहीं लाना है, एंड बेबी विलेजर को, और वैसे विलेजर को भी नहीं लाना है जिसने पहले काम कर रखा है। तो फाइनली मैंने 20 विलेजर को लिया, एंड यहाँ पर आप लोगों को यानी कि स्पॉन कर दिया। एंड विलेजर के ऊपर आप लोगों को ब्लॉक प्लेस करने हैं, तो फाइनली ब्लॉक प्लेस कर देना है। एंड बीच वाले स्पेस को छोड़कर वहाँ उसके अंदर टॉर्च लगा देना है, एंड उसके बाद कवर करना है। यार, टॉर्च लगाने से क्या होगा, विलेजर के पास कोई ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होगा। एंड इतना कर लेने के बाद आप लोगों को साइड साइड्स के 3-3 ब्लॉक को डिग कर लेना है। तो फटाफट से चारों साइड्स के 3-3 ब्लॉक को ब्रेक कर लेता हूँ, एंड उसके आगे बताता हूँ। तो फाइनली मैंने सभी साइड्स के ब्लॉक को तोड़ दिया है, एंड यहाँ पर 2 आयरन गोलम भी स्पॉन हो गए हैं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कितना ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है फार्म। तो फाइनली 2 साइड्स के कॉर्नर पर ब्रिक लगाना है, एंड यहाँ पर वाटर डालना है, एंड सेम इसके अपोजिट साइड यहाँ पर वाटर डालना है। एंड यहाँ पर आप लोग सब सामने देखोगे तो 1 ब्लॉक का स्पेस बच जाएगा, उस ब्लॉक को आप लोगों को तोड़ देना है। एंड आप लोगों को वाटर जाकर के बंद कर देना है,
उसके ऊपर ब्लॉक लगा देना है एंड दोनों को तोड़ देना है एंड ठीक उधर साइड भी ऐसे ही करना है, उधर साइड ब्लॉक लगा करके एंड इसके इतना करने का आपको पानी ख़त्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपने जहाँ एक ब्लॉक डिग किया था उसके ऊपर दो तीन ब्लॉक डिग करना है एंड ठीक इसके सामने भी इधर साइड भी तीन चार ब्लॉक को डिग कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे चेस्ट लगाना है दो, एंड इसके बाद आप लोगों को नीचे जा करके चेस्ट से कनेक्ट करके हॉपर लगाना है क्राउच करके। एंड गाइस जब आपका हॉपर प्लेस हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सामने दो ब्लॉक प्लेस करने हैं एंड देन नीचे आप लोगों को उसके स्लैब प्लेस करने हैं। एंड इतना कर लेने के बाद आपको हॉपर के सामने एक ब्लॉक रखना है एंड उसके ऊपर फेंस गेट। एंड इतना कर लेने के बाद आपको फेंस गेट को ओपन करना है एंड ब्लॉक को तोड़ देना है। एंड इतना कर लेने के बाद आप लोगों को साइन बोर्ड लेना है एंड ब्लॉक के इधर साइड साइन बोर्ड लगाना है एंड ठीक उसके अपोजिट साइड भी साइन बोर्ड को प्लेस करना है। एंड एक साइन बोर्ड आपको वहाँ प्लेस करना है जहाँ पे आपने स्लैब लगाया है। एंड गाइस यार यहाँ पे ध्यान से लगाना कि यहाँ पे साइन बोर्ड प्लेसमेंट करने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने भी स्लैब के ऊपर ही फेंस को प्लेस कर दिया। एंड इसके बाद आप लोगों को लावा लेना है एंड लावा उस ब्लॉक के ऊपर डालोगे तो लावा यहाँ पे अटक जाएगा जो कि फेंस और गेट की मदद से अटक जाएगा। एंड इतना कर लेने के बाद आप लोगों को वापस से पानी डाल देना है साइड्स के ब्लॉक्स पे रख के। एंड गाइस यार आपका फार्म कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोग देख सकते हो कि आयरन गोलम अभी भी स्पॉन हो गया है। एंड गाइस यार अब आप लोगों को आयरन लेने के लिए क्या करना होगा, तो गाइस यार आयरन इंगट लेने के लिए एक ब्लॉक छोड़ के इधर दो ब्लॉक डिग करना है एंड एक ब्लॉक नीचे डिग करना है। एंड आप लोगों को यहाँ पे चेस्ट देखने को मिल जाएगा, इस चेस्ट से आयरन ले लेना है तो भी मेरे एक मिनट में 10 आयरन कलेक्ट हुए। यार ये कितना ज़्यादा फास्ट फार्म वर्क कर रहा है एंड ये फार्म आप लोगों को शायद से एक घंटे में 4 से 5 स्टैक देगा। एंड गाइस यार इस वीडियो का लाइक है 100 लाइक्स का तो प्लीज़ करवा देना। एंड आपको और भी फार्म का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताओ।